उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हृदय विचारक घटना पर सीएम योगी भी एक्शन में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सतेंद्र शर्मा। दरअसल हाथरस में सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब 30 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। इसकी पुष्टि एटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की। जानकारी के अनुसार भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण यह हादसा हुआ। मरने वालों में कुल 19 महिलाएं भी शामिल हैं। एटा के सीएमओ डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 27 डेड बॉडी की पुष्टि भी की है। मारे जाने वालों में एक पुरुष, 23 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। दरअसल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद राव थाना क्षेत्र के फलूरी गांव में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गया। इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतों की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये भोले बाबा के सत्संग से हाथरस जनपद के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हादसा हुआ है। इस पर हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट समझिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक सत्संग के दौरान 27 लोगों की उस भगदड़ में मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना की जो पुष्टि है एटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की है। वही जानकारी के अनुसार ये जो सत्संग था वो भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, जिसमें अचानक से भगदड़ मच गई और जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया। वही मरने वालों की कुल संख्या 19, जिसमें महिलाएं बताई जा रही है। साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक एटा के सीएमओ डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार 27 डेड बॉडी की पुष्टि हुई है। इस हादसे में एक पुरुष, 23 महिलाएं और साथ ही साथ 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जानकारी के अनुसार हाथरस जनपद के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में चल रहे इस भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच जाती है और इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। वहीं मृतकों की डेड बॉडी को एटा के मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया है। साथ ही साथ ये भोले बाबा के सत्संग में हाथरस जनपद के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में ये हादसा हुआ है। वहीं हादसा जिले के मुगलगढ़ी गांव में एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, तभी भगदड़ मच गई और एटा अस्पताल में अब तक 27 शव आ चुके हैं, जिनमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और इसमें एक पुरुष भी शामिल है। बहरहाल इस मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है। इन 27 शवों की पहचान की जा रही है और कई घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। वहीं एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हाथरस जिले के मुगलगढ़ी गांव में एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, तभी भगदड़ मच गई। एटा अस्पताल में अब तक 27 शव आ चुके हैं, जिसमें 23 महिलाएं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। घायल अभी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। आगे की जांच की जा रही है। इन 27 शवों की पहचान भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार सत्संग समापन के बाद भगदड़ से हादसा हुआ। भगदड़ में कई लोगों की मौत की आशंका है। भोले बाबा के सत्संग के समापन में भगदड़ हुई, साथ ही सत्संग एटा हाथरस बॉर्डर के रतिभानपुर में चल रहा था। कई घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने हाथरस में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से हाथरस में बड़ा कांड हुआ है, वाकई सभी को चिंतित कर दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।